नमो नमः मित्राणि, संस्कृत विषय अध्ययन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतीश पनेल। मित्रों, हम आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे गए महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतल नाम नाटकम की प्रमुख सूक्तियों को लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो मित्रों, आज हम प्रथम अंक स्वप्न जो महाकवि कालिदास का जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है उसमें 7 अंक हैं। तो प्रथम अंक जो है, उस प्रथम अंक की जो प्रमुख सूक्तियां हैं जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उनको लेकर के आप सभी के सामने हूँ। तो आज हम 1 से लेकर के 10 सूक्तियों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, सूक्तियों की व्याख्या करेंगे, अर्थात यह सूक्ति किसने कही है, किसको कही है और किस प्रसंग पर यह बात कहनी पड़ी है, ऐसा आपको बताएंगे। क्योंकि परीक्षाओं में मात्र इतना नहीं पूछा जाता कि यह सूक्ति किस ग्रंथ की है या किस अंक की है, यह भी पूछा जाता है किसने कही है और इस श्लोक, इस सूक्ति का भावार्थ क्या है, ऐसा भी हमें पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें प्रति सूक्ति का एक एक शब्द का अर्थ, उसके वक्ता का अर्थ, उसके ग्रहीता का अर्थ हमें पता होना चाहिए, कौन कह रहा है, किसे कह रहा है। तो आइए प्रथम अंक के अंतर्गत दी हुई इन सूक्तियों का आरंभ करते हैं। जो पहली सूक्ति है वो सूत्रधार द्वारा नाटक के प्रारंभ में ही कही गई है। जो मित्रों अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक है उसमें जो राजा दुष्यंत हैं वो शकुंतला अर्थात शकुंतला के आश्रम में प्रवेश करते हैं, इतना उस अंक की घटना है। तो आरंभ में जब नांदी होता है तो उसके बाद सूत्रधार नाटक को आयोजित करने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो उसी क्रम में सूत्रधार अपनी नटी को कहता है कि अच्छी प्रकार से हमें नाटक के लिए जो महाकवि कालिदास द्वारा नाटक है वो आरंभ किया जाना है, तो उसकी तैयारी हमें भली भांति कर लेनी चाहिए, क्योंकि नाटक को देखने वाले बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं और सामान्य जन भी इसको देखेंगे, तो इसीलिए वो ऐसा उसके बाद कहता है। तो जो नटी है वो कहती है कि सारी व्यवस्थाएं सब ठीक हैं, मेरी जो भी मेरे द्वारा नाटक के प्रति तैयारी की गई है उसमें कोई कमी नहीं रही गई है। तो उसी के बाद यह श्लोक सूत्रधार कहता है, श्लोक वैसे है, आपरि तोषाद् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मान्य प्रत्ययम् चेतः, ऐसा वह कहते हैं। तो सूक्ति इतनी है, बलवदपि शिक्षितानाम् आत्मान्य प्रत्ययम् चेतः, इसका अन्वय करेंगे क्या है, बलवत अपि शिक्षितानाम् आत्मनि अप्रत्ययम् चेतः, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका भावार्थ है कि शिक्षितानाम एक कर्ता पद है, शिक्षितानाम अर्थात शिक्षित जनों का, षष्ठी एक षष्ठी बहुवचन है, तो शिक्षितानाम बलवत अपि बलवान होते हुए भी, अर्थात जो शिक्षक होगा, जो विद्या को जानता होगा तो अपनी विद्या में बलवान होगा, बल में तो होगा नहीं, अर्थात वो क्षत्रिय होता तो अपनी युद्ध निपुणता में बलवान होता। तो जो शिक्षित व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, वो बलवान किसमें है, अपनी विद्या में, अपने शास्त्रार्थ के ज्ञान में वो कैसा है, बलवान है। तो बलवत अपि अर्थात बलवान होते हुए भी, शिक्षितानाम बलवत अपि, शिक्षित जनों का अत्यधिक विद्वता होते हुए भी, आत्मनि माने अपने ऊपर, अपने आत्म निर्भरता के ऊपर, चेतः अप्रत्ययम् भवति, उनका जो चेत होता है अपने विषय में, आत्मनि अपने विषय में अप्रत्ययम् अविश्वसनीयम्, अपने प्रति वो फिर भी अविश्वसता को ही प्रतीत करते हैं। कहने का भाव यह है, जो शिक्षित लोग होते हैं, अत्यधिक उत्तम लोग होते हैं, वो अपने को फिर भी कम ही बताते हैं, वो अपनी निपुणता को लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं, अपने को फिर भी वो झुकाते हैं,
तो वही कहा जा रहा है कि शिक्षिता नाम चेतः, जो शिक्षित व्यक्तियों का जो चेतः मन मन होता है वो आत्मनि बलवद अपि अप्रत्ययम् भवति। आत्मनि माने अपने विषय में बलवान होता हुआ भी, अत्यधिक विश्वास से युक्त होता हुआ भी अप्रत्ययम्। प्रत्यय माने होता है विश्वास, ये प्रत्यय वो वाला प्रत्यय नहीं है, तिप्यासु इत्यादि प्रत्यय नहीं है, इस प्रत्यय का अर्थ होता है विश्वास साहित्यिक भाषा में। तो कहने का भाव यही है, तो प्रत्यय हो गया विश्वास, अप्रत्यय हो गया अविश्वास। तो बलवद होता हुआ भी, अत्यधिक विद्वता होते हुए भी आत्मनि माने अपने ऊपर अप्रत्ययम् अविश्वसनीयम्, अर्थात वो अत्यधिक विद्वान होते हुए भी अपने विषय में अविश्वसनीय होते, अपने अंदर विश्वास कम ही करते हैं, ऐसा सूत्रधार कहता है। तो हमने श्रुक्ति का अर्थ जाना, प्रथम अंक की श्रुक्ति है, सूत्रधार ने कही है और शिक्षितों के विषय में कही है, इतना हमने जानना है। तो अब दूसरी सूक्ति देखते हैं, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। मित्रों, ऊपर वाले श्लोक में भी आर्या छंद था, आर्या छंद का दूसरा द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पाद है और ये भी आर्या छंद का है। तो ये अथवा भवितव्यानां जो श्लोक है इसको राजा क्यों कहता है? इसको राजा इसलिए कहता है जब वो आश्रम में जाता है तो आश्रम में जाते जाते उसका उसकी दाई भुजा स्पंदन करती है, अर्थात फड़कती है। तो वो दाई भुजा यदि दाया हाथ बाहु बाहु इसका भुजा फड़क रही है तो उसका अर्थ यह निकलता है कि उसको कोई कन्या मिलेगी। तो किंतु वह कहता है मैं तो आश्रम की ओर जा रहा हूँ, यहाँ कहाँ से कन्या मिलेगी, यहाँ कहाँ से लड़की मिलेगी, ऐसा वो मन में सोचता है। लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र भवन्ति, ये अन्वय होगा कि अथवा फिर भी, अथवा वैसे लगा रखा है, फिर भी कहता है भवितव्यानां, भवितव्यानां होने वालों की, जो घटना होने वाली होती है, कोई भी हमें कुछ प्राप्त होने वाला होता है तो उस विषय में द्वार, उस विषय के द्वार अर्थात वो चीज वो प्राप्त होने के द्वार सर्वत्र भवन्ति, सर्वत्र उद्घाटिता भवन्ति, वहां द्वार सर्वत्र खुल जाते हैं, भले वो आश्रम हो भले वो राज्य हो अर्थात राजसभा हो अर्थात वहां के राजकुमारियों के स्थान में हो या वन में हो, यदि होने वाला होता है तो कहीं भी हो जाता है। कुछ भी कार्य यदि होने वाला होता है, भवितव्य होता है, तो वो किसी न किसी प्रकार से हो ही जाता है, ऐसा राजा कहता है। फिर उसके बाद राजा का ही यह कथन है, क्योंकि अत्यधिक राजा का ही इसमें संवाद है प्रथम अंक में, इसलिए उसकी ही अत्यधिक श्रुक्तियां हैं। फिर है किमिव हि मधुराणां मंडनम नकृतीनां, यह राजा उदय राजा दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य के विषय में कहता है। वो पहले सर्वप्रथम शकुंतला को देखता है और अपने मन ही मन उसका वर्णन करता है किस किस प्रकार की यह शकुंतला हमें सुंदर दिखाई दे रही है। तो फिर कहता है कि किमिव हि मधुराणां मंडनम नकृतीनां, उसने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सुंदर सुंदर अलंकार धारण तो नहीं कर रखे हैं, वस्त्र भी उसने कैसे पहन रखे हैं, वृक्ष की छाल के वृक्ष वस्त्र पहने हैं, तो फिर भी वह बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। तो यदि उसका कहने का भाव तो यही है कि जब स्त्री कन्या यदि अच्छे अच्छे वस्त्रों को अच्छे अच्छे आभूषणों को धारण करती है तभी अच्छी लगती है, नहीं ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मधुराणाम आकृतीनाम, मधुराणाम मतलब अच्छी, मधुर यहाँ पर मीठे के लिए नहीं है, अच्छेपन के लिए है, मधुराणाम मतलब अच्छे की आकृतीनाम, आकृतियों के लिए, मधुराणाम आकृतीनाम अच्छी आकृतियों के लिए किमिव मंडनम न, क्या अलंकार नहीं हो जाता, अर्थात यदि किसी चीज की आकृति विशेष अच्छी हो, शरीर की स्थिति सुडौल हो अच्छी हो तो किमिव हि मंडनम न भवति, मंडनम आभूषणम। तो कहने का मतलब है यदि आकृति मधुर हो अच्छी हो तो क्या अलंकार नहीं होता, सब कुछ अलंकार बन जाता है। यदि हमारा शरीर अच्छा है, सुंदर आकृति है, तो हम भले ही स्वर्णाभूषण पहने या कुछ भी ना पहने,
या हम अच्छे वस्त्र पहने या खाली वृक्ष की छाल के वस्त्र पहने तब भी वो अच्छा ही लगता है आकृति की विशेषता के कारण, ऐसा राजा कहते हैं शकुंतला के विषय में। फिर राजा का ही कथन है यहां, सताम ही संदेह पदेसु वस्तुसु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। तो मित्रों यह लौकिक भी है और वैसे भी परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण सूक्ति है, वैसे तो सबके सब महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, ये राजा इसलिए कहता है, जब राजा शकुंतला के विषय में विचार करता है कि मैं तो क्षत्रिय हूं, ये तपस्विनी ब्राह्मणी है, कि मैं इसका वरण कर सकता हूं नहीं, ये मेरी प्रेमिका बनने योग्य है या नहीं, ऐसा अंतर सोचता है। जब वो सोचने के बाद फिर निष्कर्ष निकालता है तो कहता है कि संदेह पदेशु वस्तुसु, क्योंकि उसके मन में संदेह है, मैं तो क्षत्रिय हूं, ये तपस्विनी है, मैं इसका वरण कैसे करूं, इस विषय करूं या न करूं, ऐसा संदेह होता है उसके। तो संदेह पदेशु अर्थात संदेह पदेशु वस्तुसु अर्थात संदेह वाली स्थितियों में सताम सताम सज्जनाना अच्छे व्यक्तियों का, उत्तम व्यक्तियों का, राजा और बड़े बड़े ऋषि मुनि इत्यादियों का संदेह वाली परिस्थितियों में सजाम करण प्रवृत्तयः प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम भवति। अर्थात कहीं कोई संदेह इत्यादि की स्थिति हो तो उस स्थिति में यदि जैसा सज्जनों का अंतःकरण कहता है वही प्रमाण होता है, अर्थात वही सत्य होता है जो सज्जनों के अंतःकरण में चल रहा होता है, ऐसा यह बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे अंदर जो संकल्प उत्पन्न हो रहा है वही उत्तम है, यहां पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा राजा कहता है। फिर यह जो कथन है ये दोनों का, जो शकुंतला की दो प्रिय दो सखियां हैं अनुसूया और प्रियंवदा, अत्यधिक उसकी घनिष्ठ मित्र वर्याएं हैं वो दोनों, तो उसके साथ रही है बचपन से, तो वो दोनों हैं अनुसूया और प्रेमवदा, वही इस कथन को कहती है। क्या है, राजरक्षित अज्ञानी तपोवनानि नाम, क्या है इसका भाव, ये क्यों कहा, ये इसलिए कहा जब शकुंतला को भंवरा काटने दौड़ रहा है, जब वो वृक्षों का सिंचन कर रहे हैं वाटिका में, तो एक भंवरा उसको काटने के लिए दौड़ता है, तो राजा दूर से देख रहा होता है छुप करके, तो अनुसूया और प्रेमवदा उसको पहले उसको कहते हैं, शकुंतला कहती है कि मुझे बचाओ बचाओ, किंतु शकुंतला कहती है कि तुझे कौन बचाएगा, दुष्यंत है हमारे इस राज्य के राजा, उनको ही बुला ले, वो बचाएंगे तेरे को। तो उसके बाद जब वो ऐसा कहती है, तो ऐसा कहने के बाद अनुसूया दोनों मिल करके कहती है कि राजरक्षित अज्ञानी तपोवनानि नाम, अर्थात तुझे भौरा यदि सता रहा है तो राजा ही तुझे बचा सकते हैं, क्यों राजा ही क्यों बचा सकते हैं। तब कहा कि राजरक्षित अज्ञानी अर्थात तपोवनानि, जो तपोवन इत्यादि होते हैं तपस्वी जनों के आश्रम और तपस्वी जनों के जो तपस्वी लोग होते हैं वो, उनको राजरक्षित अज्ञानी, राज मतलब राज भी, राजाओं के द्वारा रक्षित अज्ञानी माने रक्षित किए जाते हैं। कहने का मतलब है जो तपोवन वासियों की रक्षा करता है वो राजा ही होता है, इसलिए यदि तुम्हें यह भंवरा सता रहा है तो राजा को बुलाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि तपोवन की रक्षा करने का कर्तव्य राजाओं का ही होता है, ऐसा अनुसूया और प्रेमवदा कहती है। हमें अच्छे प्रकार से ध्यान रखना है, कहीं हम परीक्षा में राजा या कोई अन्य सूत्रधार आदि न लगा आए, इतना रखना। अनुसूया और प्रेमवदा ही ऐसा तपोवन के बारे में बताते हैं कि तपोवन की रक्षा राजा लोग क्या करते हैं, उनका कर्तव्य है। फिर राजा का है कथन, राजा कहते हैं अस्ते तद अन्य समाधि भीरुत्वं देवतानां, ठीक है, क्या इसका अन्वय क्या है, अस्ति एतद अन्य समाधि भीरुत्वं देवतानां, ये राजा इसलिए कहते हैं जब वो वहां उस ब्रह्मचारी से शकुंतला की उत्पत्ति की कथा सुनते हैं तो कहते हैं कि जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या इतनी अधिक हो गई थी कि वो स्वर्ग को जीतने वाले थे, तो इतने में इंद्र को
डर लगने लगा, यदि वह अत्यधिक तपस्या कर लेंगे तो मेरा आसन जीत लेंगे अर्थात मेरा राज्य छीन लेंगे, विश्वामित्र स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने उनकी समाधि, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेज दिया। तो मेनका को भेजने के बाद उनकी तपस्या भंग हो गई विश्वामित्र की। तो राजा इसी विषय में कहते हैं कि देवता नाम अर्थात देवताओं की, जो देवता लोग होते हैं, क्योंकि इंद्र के बारे में बता रहे हैं कि देवता नाम अन्य समाधि भीरत्वम अस्ति एतद्। देवताओं की स्थिति क्या होती है? अन्य समाधि भीरत्वम, अन्यों की समाधि से भय उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर कोई धरती में या कहीं भी अत्यधिक तपस्या करने लग जाता है तो उससे वो भय करते हैं कि वो हमसे ऊपर ना चला जाए, ऐसा देवताओं में पाया जाता है। अस्ति कहा एतद, एतद किम? अन्य समाधि भीरुत्वं देवतानाम, अन्य समा अन्यों की तपस्याओं से, अन्य जनों की योग्यताओं से भय लगता है देवताओं को, ऐसा राजा कह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने विश्वामित्र जी की तपस्या को भंग कर दिया था मेनका को भेज करके। तो उससे आगे ही फिर शकुंतला की उत्पत्ति हुई, और लंबी कथा है, आप जब नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आप सभी जान जाएंगे। अब नीचे वाली सूक्ति राजा की, वो भी शकुंतला के प्रति है। ये ध्यान रखे, राजा का है अस्त्येतद् अन्य भीर समा अस्त्येतद् अन्य समाधि भीरुत्वं देवतानां। फिर नीचे वाली है न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है। क्या है? न प्रभातरलं ज्योति ही उदेति वसुधातलात्। जब वह शकुंतला को देखते हैं तो उसको देख करके उन्हें एक इतनी ऐसी अनुभूति होती है कि वो कहते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये जो शकुंतला है ये तो मेनका की पुत्री है, विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, किसी धरती में निवास करने वाले किसी व्यक्ति की पुत्री नहीं है, ये तो स्वर्ग से आई हुई मेनका की पुत्री है, तो इसलिए ये ज्योति है। क्योंकि बोला कि वसुधा तलात, वसुधा पृथ्वी, तलात तल से, पृथ्वी के तल से प्रभातरलम, प्रभातरलम अर्थात ज्योति युक्तम, अत्यधिक तेज युक्तम, प्रभा से युक्त वसुधा के तल से ज्योति ही न उदेती, अर्थात वसुधा के तल से इस प्रकार की ज्योति उत्पन्न नहीं होती, अर्थात ये कहीं स्वर्ग से ही, कहीं उत्तम से स्थान से ही आई है यह शकुंतला, क्योंकि वसुधा तलात प्रभा तरलम ज्योति ही न उदेती, नहीं उदित होती है, वसुधा के तल से इस प्रकार की कन्या उत्पन्न नहीं हो सकती, वास्तव में ये मेनका की ही पुत्री है, ऐसा राजा निष्कर्ष कर लेते हैं, तब ऐसा बोलते हैं। फिर आठवीं सूक्ति है, प्रियंवदा कहती है अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनो नाम। ये क्या बोलती है? जब कुछ शकुंत अनुसुया कहती है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूं राजा से, तो तब प्रियंवदा कहती है कि अनियंत्रणानुयोग तपस्वी, नहीं क्षमा करें, राजा कहते हैं कि मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ जानना चाहता हूं, तो तब राजा को प्रियंवदा कहती है कि तपस्वी जन, जो तपस्वी जन होते हैं वो अनियंत्रणा अनुयोग भवन्ति, अर्थात उन पर उनसे अनुयोग करना प्रश्न करना, तो उनसे प्रश्न करना कैसे होता है? अनियंत्रण होता है, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है, आप जो मर्जी जब मर्जी जो आपकी इच्छा हो आप वो पूछ सकते हैं, क्योंकि अनियंत्रण अनुयोग तपस्वी जन नाम, जो तपस्वी जन होते हैं वो अनियंत्रण अनुयोग वाले होते हैं, उनके प्रति प्रश्नों को करने में हमें कोई नियंत्रण नहीं रखना है, जो मर्जी पूछ सकते हो, ऐसा प्रियंवदा कहती है, तपस्वियों के महत्व को प्रतिपादित कर रही है। नवी सूक्ति है मित्रों, नवी सूक्ति, आठवीं सूक्ति प्रियंवदा की है, तो नवी सूक्ति अनुसुया की है। वो कहती है कि नयुक्तम अकृत सत्कारम अतिथि विशेषम विसृज्य स्वच्छंदतो गमनम। ये जब राजा को देख करके शकुंतला वहां से जाने लगती है तो तब वह कहती है कि क्योंकि राजा अतिथि के रूप में वहां पर आए हैं तो वो अतिथि हैं हमारे, तो उस प्रकार से वो क्या बोलती है,
न युक्तम, ये न युक्तम हटा देंगे, आगे से अर्थ लेंगे, न युक्तम बाद में लगाएंगे, क्या कहेंगे फिर? अकृत सत्कारम, अकृत सत्कारम, नकृत सत्कारम, अर्थात सत्कार नहीं किया है जिसका, ऐसे अतिथि विशेषम, अतिथि विशेषम अर्थात मेहमान को, अतिथि विशिष्ट को विसृज्य माने छोड़ करके स्वच्छंदतो गमनम न युक्तम, अब न युक्तम अंतिम में लगा लेंगे, न युक्तम मतलब न उचितम, अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब है अतिथि विशेष का जब तक हम आतिथ्य सत्कार ना कर लें, उसका सम्मान ना कर लें, तब तक हमें व्यर्थ में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, ऐसी अच्छी बात नहीं है, ऐसा अनुसुया कहती है। फिर इसके बाद दसवीं सूक्ति है, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, ये राजा बोलते हैं कि अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, ये कामी जनों की मनोवृत्ति कैसी होती है, ऐसा बोलते हैं। तो मित्रों ये बड़ा रोमांचक सूक्ति है, ये राजा क्यों बोलते हैं? राजा जब शकुंतला को दूर से देखते हैं तो उसके प्रति वो अत्यधिक प्रेम युक्त हो जाते हैं, उनको अत्यधिक प्रेम होने लग जाता है उससे, तो वो सोचते हैं कि इसको मैं अभी पकड़ लूं, अभी उसको गले से लगा दूं, तो उसको पकड़ने के ऐसे अभिनय करते हैं, ऐसा दिखाया गया है नाटक में। तो तब उसके बाद राजा मन में सोचता है, वो ये इसलिए उसको पकड़ना चाहते हैं, उससे आलिंगन करना इसलिए चाहते हैं कि वो सोचते यदि मेरे को ये अच्छी लग रही है तो ये भी मेरे को अच्छा मान ही रही होगी, तो क्यों ऐसा क्यों? तब वो बोलता है कि कामी जन मनोवृत्ति, कामी लोगों की मन की जो वृत्ति होती है, कामी लोग जो मन में सोचते हैं वो चेष्टा अप्रतिरूपिका भवती, उनकी जो चेष्टा होती है, जो इच्छा होती है वो अप्रतिरूपिका भवती, अर्थात दूसरे पर भी वो उसी रूप को वो देखते हैं, प्रतिरूपिका अप्रतिरूपी, प्रतिरूपिका माने दूसरे के प्रति भी वही इच्छा करते हैं जैसा खुद सोच रहे होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ऐसी मनोवृत्ति होती है किसकी? कामी जनों की। कामी जनों की मनोवृत्ति दूसरों के प्रति अपनी ही इच्छा को प्रदर्शित करती है, वो सोचते हैं जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा वह भी सोच रहे होंगे, ऐसा वो कहते हैं। इसी प्रकार की श्रुति एक आगे भी आएगी, हम सुनेंगे उसको भी पढ़ेंगे। तो मित्रों अब इन दसों सूक्तियों को अच्छी प्रकार से हमें जान लेना है, क्योंकि परीक्षाओं में हमें सफलता तभी देंगी जब हम इनके अर्थ को, इनके अंक के नाम को, इनके वक्ता को जानेंगे। तो बलवदपि इत्यादि ये सूत्रधार ने कही है, अथवा भवितव्यानाम राजा ने कही है, और किमिभिः मधुराणाम आदि राजा ने, सताम ही यह भी राजा ने, राजरक्षितव्यानि ये अनुसूया ने कही है, और प्रेमवदा ने, दोनों ने एक साथ कही है, ध्यान रखें दोनों जो सखियां हैं वो एक साथ कह रही हैं। फिर अस्तेदद अन्य समाधि भी उत्तम राजा बोलते हैं, न प्रभातरलम भी राजा बोलते हैं, और अनियंत्रणान योगस तपस्वी जनोनाम प्रियंवदा बोलती हैं, वो बोलती हैं कि तपस्वियों से कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर ये इसको भी अनुसूया बोलती हैं कि अतिथियों का सत्कार करे बिना इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। फिर राजा ये कामी जनों की मनोवृत्ति को बताते हुए वो स्वयं कहते हैं। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि आपको यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, सदस्यता ले लें, हमारे साथ बने रहें। तो अगले वीडियो में आपसे कल ही मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।